ओके सो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं पेरिटेबल का ही, जिसमें हम लोग देखेंगे ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एलिमेंट, मतलब इसका नेचर कैसा होता है। आपको पता होगा यहाँ पे दो रूल है, एक है मेटल का, तो कह सकते हो ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक, या बेस कह सकते हो, आर बेसिक इन नेचर। कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है। जैसे एग्जांपल में लो, यहाँ पे ले रहे हैं मेटल, यहाँ ले रहे हैं उसका ऑक्साइड और यहाँ ले रहे हैं उसका हाइड्रोक्साइड। जैसे मान लो सोडियम लिया, तो सोडियम का ऑक्साइड Na2O, पानी में डाल दो क्या बन जाएगा? NaOH। कैल्शियम लिया CaO, पानी में डाल दो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम लो MgO, पानी में डाल दोगे मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड। तो गौर से देखो, ये सब जो भी है, दीज ऑल आर बेसिस। यानी क्या मिला कि मेटल का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स, ये सब कैसा होता है? बेसिक नेचर का, यानी बेस होता है। लेकिन अब ये इसी को देखोगे, नॉन मेटल की बात करोगे, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, अगर नॉन मेटल की बात करोगे तो आपको मिलता है ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, या एसिड कह सकते हो, एसिडिक इन नेचर। जैसे देखो एग्जाम्पल में देखना, इधर हमने ले लिया नॉन मेटल, ठीक है जी, यहाँ ले लिया उसका ऑक्साइड और इधर ले लिया उसका हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नॉन मेटल जैसे मान लो कार्बन ही ले लिया, तो कार्बन का ऑक्साइड जैसे मान लो CO2, पानी में डाल दो H2CO3। दूसरा नॉन मेटल ले लिया मान लो सल्फर, सल्फर का ऑक्साइड जैसे SO2, पानी में डाल दो H2SO3। एक और SO3 है, पानी में डाल दोगे तो H2SO4। तो गौर से देखो, ये सब जो मिला आपको H2SO4, H2SO3 और ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये सब क्या है? एसिड। यानी कह सकते हो नॉन मेटल का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड किस नेचर का? एसिडिक। और मेटल का कैसा होता है? बेसिक। तो एकदम छोटा सा चीज है कि मेटल का ऑक्साइड नॉन मेटल का, सॉरी मेटल का बेसिक और नॉन मेटल का एसिडिक। दिमाग में बैठा लीजिए, नॉन मेटल का एसिडिक और मेटल का बेसिक। चलिए लिखना होगा, रोक के लिख लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, रुक जाना। इससे पहले हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन ले लो, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लो। आपको पूछा कि मान लो बताना है ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ आपको बताना है। चार ऑक्साइड मान लो ऐसा लिया गया है, एक मान लो है P2O5, एक मान लो SiO2, एक मान लो Cl2O7 और एक मान लो SO3। ये चार मान लो ऑक्साइड आपको दिया गया है और आपसे पूछा है ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ध्यान देना, हम सबसे पहले इसका आंसर बता देते हैं। इसका जो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा, इन चारों में सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा Cl2O7, उसके बाद होगा SO3, SO3 से कम होगा आपका P2O5, P2O5, और उसके बाद होगा आपका SiO2। समझना कैसे, यहाँ देखो, जैसे सेकेंड पीरियड एलिमेंट देखोगे, सेकेंड नहीं थर्ड पीरियड एलिमेंट, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है। थर्ड पीरियड एलिमेंट शुरू होता है सोडियम से, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, सिलिकन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। इधर से इधर जाते हो तो बोलो कौन सा कैरेक्टर? नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? बढ़ता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपका बढ़ रहा है, चेक करो।
यहाँ पे कौन कौन सा है? ये क्लोरीन है, सल्फर है, फास्फोरस है और सिलिकन है। ये ग्रुप 14 का, ये ग्रुप 15 का, ये ग्रुप 16 का, ये ग्रुप 17 का। बैठा दो। यहाँ दिख रहा है आपको ग्रुप 14 का, ये ग्रुप 15 का, ये ग्रुप 16 का और ये ग्रुप 17 का। क्या नज़र आया? जब हम इधर से बाएं से दाएं जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, कौन सा कैरेक्टर बढ़ रहा है? नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो हमें दिखाई दिया जब हम इधर से इधर गए तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ेगा, हमने क्या सीखा है कि जैसे जैसे नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है तो नॉन मेटल का किस नेचर का? एसिडिक। ऑफ कोर्स तो इसका जो ऑक्साइड होगा, इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, ये बढ़ेगा। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ते चली जाएगी। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? जिसमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा। आपको कुछ नहीं करना है, बस चेक करना है इसे ग्रुप वाइज। जिसमें ज़्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर उसका क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। है आसान? चलो, रोक के लिखना होगा, लिख लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब आ जाओ, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट। हमने बोला कि आपको मेनली दो तरह का अभी तक सिखाए थे, एसिडिक और बेसिक। एक और होता है जिसका नाम क्या है? एम्फोटेरिक। किसको कहते हैं? जिसमें दोनों नेचर होता है, बोथ एसिडिक एंड बेसिक। जब एसिडिक बेसिक नेचर दोनों आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। अब सुनना, हमने आपको सिखा रखा है कि एलिमेंट दो ही तरह का, मेटल और नॉन मेटल। लेकिन नॉन मेटल में एक और कैटेगरी है जिसको कहते हैं मेटालॉइड। मेटालॉइड उसको कहते हैं जिसमें दोनों कैरेक्टर होगा, मेटल का भी और नॉन मेटल का भी। तो अब यहाँ देखना, जनरली नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है एसिडिक। कैसा होता है जी? एसिडिक। नॉन मेटल का ऑक्साइड मेटालॉइड भी होता है एसिडिक। मेन गड़बड़ कहाँ होता है? इसमें, मेटल में। मेटल में देखना, अगर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं जानते हो थोड़ा सा बता देंगे अभी। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन हो, प्लस टू हो और प्लस थ्री हो, कहाँ पे? ऑक्साइड में। तो ये होगा आपका बेसिक। ये कैसा होगा? बेसिक। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फोर हो जाए तो ये होगा आपका एम्फोटेरिक। ये कैसा होगा? एम्फोटेरिक। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हाइयर में चला जाए, जैसे प्लस फाइव, प्लस सिक्स और प्लस सेवन, तो ये हो जाएगा आपका, अब हो जाएगा ये एसिडिक। मतलब मेटल का ऑक्साइड एसिडिक भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा बेसिक होगा। ये डिपेंड करता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट किसके? मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट पे। थोड़ा याद कर लो, बोलो, अगर मेटल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक दो तीन है तो बेसिक, चार है तो एम्फोटेरिक और पाँच है, पाँच छः सात है तो एसिडिक। नॉन मेटल और मेटलॉइड हमेशा कैसा होता है? एसिडिक। नॉन मेटल में कुछ एक ऑक्साइड होता है जिसको आपको याद रखना है, न्यूट्रल ऑक्साइड। कौन सा बोले जी? न्यूट्रल ऑक्साइड। इसको याद रखिएगा, जैसे पानी H2O, मेरे साथ याद करो, जैसे हम आपको सिखाते हैं H2O क्या है? वाटर है, न्यूट्रल है। H2O से मिलता जुलता होता है N2O, ऐसे याद रखो, H2O का भाई N2O, दोनों कैसा हो गया? न्यूट्रल। इसके बाद चौथा ऑक्साइड है, तीसरा है CO और उसके बाद NO। तो ये चार आप याद रखिएगा अपने स्टैंडर्ड में कि ये न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। कैसे बोले? पानी न्यूट्रल है, H2O, H2O का मिलता जुलता N2O, उसके बाद CO और CO का मिलता जुलता NO। आई थिंक इतना याद रहेगा, ये क्लियर है? फिर से बोलो, ऑक्साइड का नेचर अभी तक बताए थे दो, एसिडिक और बेसिक। एक और इंटर किया, कौन? एम्फोटेरिक, यानी दोनों नेचर हो सकता है इसमें, एसिडिक और बेसिक। ठीक है, जैसे एलिमेंट मेनली तीन तरह का, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो यहाँ तीन तरह का ऑक्साइड हो सकता है। याद रखिएगा, नॉन मेटल चूंकि से ही काट के निकाला गया था मेटलॉइड को, तो मेटलॉइड और नॉन मेटल दोनों कैसा है? एसिडिक। नॉन मेटल में कुछ एक ये सब छोटा छोटा है जो याद रखिएगा, चार कैसा होता है? न्यूट्रल। मेटल में मेनली वेरिएशन आता है, अगर मेटल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री तो बेसिक, प्लस फोर में एम्फोटेरिक, प्लस फाइव, प्लस सिक्स में एसिडिक। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, इसको रोक के लिखना होगा, आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो, थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट मैं समझा देता हूँ। याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब होता है चार्ज पर एटम। कहीं पे भी कोई चार्ज है, जैसे देख लो यहाँ, अगर मान लो सोडियम अगर फ्री स्टेट में है, ये फ्री स्टेट में है सोडियम एटम, तो आपसे कहेगा कि बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम एटम कहाँ पे? इन फ्री स्टेट, इन फ्री स्टेट। तो फिर बोलो जी, फ्री स्टेट में कोई चार्ज नहीं है तो कितना होगा? जीरो।
लेकिन यही अगर NaCl की बात करोगे तो आपको पूछेगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम एटम बताओ इन NaCl, तो आप क्या बोलोगे? हमें पता है NaCl में ये जब एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो यहाँ प्लस वन और ये ले लेता है तो माइनस वन, यानी यहाँ पे अब सोडियम का कितना हो गया? प्लस वन। यानी क्या हुआ कि कोई भी एटम कहाँ पे है उसको चेक करो और उस पर कितना चार्ज है। तो क्या बोले? चार्ज पर एटम। क्या बोले? चार्ज पर एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। हम लोग उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे रेडॉक्स में, बट यहाँ पे थोड़ा सा ज़रूरत है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सोडियम एटम फिर से बोलना, अगर फ्री स्टेट में है तो बोलो यहाँ पे चार्ज कितना? जीरो। अगर NaCl के फॉर्म में है तो Na पे कैसा होगा? प्लस वन। Cl पे कैसा होगा? माइनस वन। यहाँ जाओ, जनरली देखो रूल्स तो इसमें बहुत सारे हैं, बट दो रूल ही यहाँ पे आप याद रखो अभी काम के लिए, काम करने के लिए। जनरली हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली कंपाउंड में कितना? प्लस वन, और ऑक्सीजन का माइनस टू। दो याद रखिएगा, फिर से बोलिए, हाइड्रोजन का जनरली कंपाउंड में प्लस वन और ऑक्सीजन का माइनस टू। कहाँ पे? कंपाउंड में। और जनरल बोले, कोई भी एक्सेप्शन हमने नहीं लिया, एक्सेप्शन हम लोग रेडॉक्स में पढ़ेंगे। बोलो फिर से, हाइड्रोजन का कितना बोले? प्लस वन। ऑक्सीजन का कितना बोले? माइनस टू। एकदम याद रखिए और इसको बनाते हैं। चलो यहाँ देखो, जैसे मान लो SO2 में हमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, हमें किसका निकालना है? सल्फर का। मान लेते हैं लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एटम, मान लेते हैं एक्स। कितना मान लिया? एक्स। एकदम ढंग से सीखिएगा, यहाँ देखो कितना मान लिया? एक्स। तो देखो, तो एक सल्फर है तो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर क्या बोला? चार्ज पर एटम। एक सल्फर है तो इसको क्या लिखोगे? एक्स प्लस। दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे कितना होता है? माइनस टू, तो टू इंटू माइनस टू। सब चार्ज को जोड़ने के बाद यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो बराबर कितना? जीरो। यही चीज समझना है। फिर से बोलो सल्फर का कितना माने? एक्स। सल्फर खत्म, बीच में कौन साइन? प्लस। दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे कितना होता है? माइनस टू। दो ऑक्सीजन है, टू इंटू माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ पे एक्स बराबर मेरा कितना हो जाएगा? ये माइनस फोर, उधर जाके कितना हो जाएगा? प्लस फोर। क्लियर है? यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर कितना हो गया SO2 में? कितना? प्लस फोर। आई थिंक ये क्लियर है। चलो H2SO4 में आ जाओ। बोलो फिर से, यहाँ पे सल्फर का निकालना है। मान लो X, लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एटम बराबर हमने मान लिया कितना? X। बोलो H2SO4 है, इसको हम कह सकते हैं 2 इंटू हाइड्रोजन का कितना? बोलो प्लस वन। सल्फर का कितना माना है? X। चार ऑक्सीजन है, 4 इंटू माइनस टू। सबको जोड़ने के बाद चार्ज कितना बचा? जीरो। फिर से बोलना, दो हाइड्रोजन है, बोलो 2 इंटू प्लस वन। एक सल्फर है, x, चार ऑक्सीजन है, 4 इंटू माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब बोलना यहाँ पे x बराबर कितना? इधर माइनस एट में से दो चला गया, कितना बचा? माइनस सिक्स। उधर जाके कितना हो जाएगा? प्लस सिक्स हो गया। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट H2SO4 में कितना? प्लस सिक्स। चलो यहाँ पे नाइट्रोजन का निकालते हैं, तो वैसे ही मान लो लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एटम मान लो x। अब देखो यहाँ पे टोटल चार्ज बचा हुआ है कितना? प्लस वन। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था तो सबको जोड़ने के बाद कितना? जीरो। यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं था तो सबको जोड़ने के बाद कितना? जीरो। यहाँ आ जाओ, ध्यान देना, यहाँ पे क्या बोले? रूल्स को अप्लाई करो। नाइट्रोजन का कितना मान लिए? एक्स प्लस। चार हाइड्रोजन है तो फोर इंटू प्लस वन। सबको जोड़ने के बाद बोलो कितना? प्लस वन। यानी x बराबर यहाँ प्लस वन, ये उधर जाके माइनस फोर हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस थ्री। ठीक है, तो ये सिंपल सा था ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका। इसको हम लोग अप्लाई करेंगे उस मेटल का ऑक्साइड निकालने के लिए। फिर से देखो, इस मेटल ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालना है, बस उसी के लिए हमने ऑक्सीडेशन स्टेट सीखा। क्या बोले? अगर लोअर में होगा तो कैसा होगा? बेसिक। एक दो तीन अगर होगा मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट तो कैसा होगा? बेसिक। प्लस फोर होगा तो एम्फोटेरिक, और प्लस फाइव, प्लस सिक्स, प्लस सेवन होगा तो एसिडिक। ये जनरलाइज एक रूल है, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी कुछ एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन के लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आज आपको, आप ट्रिक याद रखेंगे। यहाँ बोलो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एक ट्रिक है, मेरे साथ बोलना, गाना है गाना वो जिंगल बेल सुना करो सब मन में आस्था लिए। बोलो, गाना वो जिंगल बेल सुना करो सब मन में आस्था लिए। ठीक है, ये एक मैंने स्टेटमेंट बना रखा है। अब बोलो यहाँ पे, यहाँ से एलिमेंट निकालते हैं,
दिस इज गैलियम, दिस इज वेनाडियम, दिस इज जिंक, दिस इज दो चीज़ें बेरेलियम है और अल्मुनियम है, सुना SN, करो क्रोमियम, सब SB, मन में MN, आस्था आर्सेनिक और लिए लेड। यहाँ पे पांच एलिमेंट है जहाँ पे चार्ज होगा, तो कैसे होगा बोलना, लास्ट वाला एलिमेंट छोड़ दो और बाकी यहाँ पे चार एलिमेंट पे चार्ज होगा, कितना होगा +3, कितना होगा जी +3। कहोगे सर इसको क्यों छोड़े, तो यहाँ पे होगा +4 MN पे, और ये जो वेनाडियम है इस वेनाडियम पे होगा +5। फिर से बोलो टोटल कितना एलिमेंट, पांच एलिमेंट पे चार्ज होगा, कैसे, लास्ट वाला छोड़ दो, यहाँ पे चार पे कितना लेना है 3 3 3, एक पे लेना है +4 MN पे और वेनाडियम पे लेना है +5। फिर से बोलो एलिमेंट, गाना गैलियम, वो वेनाडियम, जिंगल जिंक, बेल, बेल में दो चीज़ें बेरिलियम और अल्मुनियम, सुना SN यानी टीन, करो क्रोमियम, सब SB, एंटीमनी, मन में मैंगनीज, आस्था आर्सेनिक, लिए और लेड। लेकिन यहाँ पे जो चार्ज फिक्स कर दिया यानी उस एलिमेंट का वही चार्ज वाला कैसा होगा, एम्फोटेरिक, बाकी सब उस रूल के मुताबिक, कौन सा रूल जो हमने आपको सिखा रखा है, +1 +2 +3 वाला बेसिक, +4 वाला एम्फोटेरिक और हायर वाला एसिडिक। चलो यहाँ आ जाओ, इतना मैंने एग्जाम्पल लिया, इतना को अगर आप बना लोगे तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि कहीं दिक्कत होगा। चलो मेरे साथ सोचना, जैसे बेरिलियम का ऑक्साइड है तो बेरिलियम पे यहाँ बोलो बेल, बेल में बेरिलियम था, कोई चार्ज नहीं था, यानी कि बेरिलियम का कोई ऑक्साइड होगा, बेरिलियम का कोई ऑक्साइड होगा उस पर कितना भी चार्ज रहे वो ऑलवेज कैसा होगा, एम्फोटेरिक। फिर से बोलो स्ट्रिक में बेरिलियम है, कैसे हमने याद किया, गाना वो जिंगल बेल, बेल में बेरिलियम अल्मुनियम है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, यानी इसका कोई भी ऑक्साइड ले लो ये हमेशा कैसा होगा, एम्फोटेरिक, कैसा होगा एम्फोटेरिक। जिंक भी देखो, जिंक भी यहाँ पे है, इस पर भी कोई चार्ज नहीं है तो ये भी कैसा होगा, एम्फोटेरिक, ठीक है जी। अल्मुनियम का भी ऑक्साइड है, यहाँ देखो अल्मुनियम पे भी कोई चार्ज नहीं है तो ये भी कैसा होगा, एम्फोटेरिक, ठीक है। अब आ जाओ वेनाडियम, वेनाडियम भी यहाँ हमने चार्ज फिक्स कर दिया, कौन सा +5, +5 वाला कैसा होगा, एम्फोटेरिक, कैसा होगा एम्फोटेरिक। आ जाओ इस रूल पे, यहाँ देखो यहाँ पे VO है, यानी अब हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा, ध्यान दीजिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा, बोलना एक ऑक्सीजन पे बोलो -2, एक ऑक्सीजन पे कितना बोल सिखाए -2, तो जब यहाँ -2 तो यहाँ कितना +2, यहाँ कितना +2, यहाँ वेनाडियम पे कितना दे रखे हैं +5, तो हमें पता है कि अब इसको रूल के मुताबिक चलना होगा। रूल में हमने क्या सीखा है बोलो, +1 +2 +3 वाला कैसा होगा बेसिक, कैसा होगा बेसिक। चलिए यहाँ जाइए, यानी ये वाला मेरा मिल गया कैसा बेसिक, क्लियर है। चलो यहाँ आ जाओ इन दोनों पे देखते हैं, V2O5 बोलना एक ऑक्सीजन पे -2 तो 5 पे -10, -10 को काउंटर बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना +10, +10 कितने पे 2 पे, हमने ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर क्या सीखा चार्ज पर एटम, तो 2 पे 10 है तो 1 पे कितना होगा +5। फिर यहाँ भी सोच लो 1 पे -2 तो 3 पे -6, तो यहाँ पे कितना होगा उस -6 को बैलेंस करने के लिए +6, 2 पे तो 1 पे कितना +3, मैं इसको बगल में लिख देता हूँ, यहाँ पे कितना +3 और यहाँ पे आपका, यहाँ पे था आपका +5। चलिए अब बोलो +5 वाला तो आपको फिक्स कर दिया है कि वो कैसा है एम्फोटेरिक, कैसा है एम्फोटेरिक। लेकिन +3 वाला में यहाँ पे इस ट्रिक में नहीं है, तो +3 वाला वेनाडियम का इसमें नहीं है, तो रूल पे चलोगे हमने क्या सिखाया था 1 2 3 वाला कैसा सिखाया था बेसिक, तो ये होगा बेसिक। देखो वेनाडियम का ही अलग अलग ऑक्साइड है लेकिन नेचर डिफरेंट है, तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि कब किसका कैसा नेचर होगा, ये आप आज के बाद शायद इस वीडियो को 2 बार अगर देख लोगे तो गलती नहीं होगा। चलो आ जाओ लीथियम, क्या लीथियम इस ग्रुप इसमें है कहीं, नहीं है, नहीं है तो सोचो मेरे साथ
यहां माइनस टू तो यहां प्लस टू, दो पे तो एक पे कितना प्लस वन। अभी अभी सीखा था हमने वन टू थ्री वाला कैसा होगा मेटल का ऑक्साइड बेसिक, तो ये होगा बेसिक। चलो अब बोलो ये सब कार्बन का मोनोऑक्साइड ये हमने आपको सिखाया था ये कैसा होगा न्यूट्रल, कैसा होगा न्यूट्रल। ये कार्बन का डाइऑक्साइड है तो कार्बन का डाइऑक्साइड कार्बन नॉन मेटल होता है, कार्बन नॉन मेटल होता है तो ये कैसा होगा एसिडिक, कैसा होगा एसिडिक। अब बोलो ये टीन आ गया, टीन यहाँ पे SN, क्या उस पर कोई चार्ज है नहीं है, तो कोई चार्ज नहीं है तो टीन का कोई भी ले लो, मेरी बात को सुनना, टीन का आप कोई भी ले लो यहाँ पे कोई चार्ज मेंशन नहीं है, यानी टीन का कोई भी ऑक्साइड हमेशा कैसा होगा एम्फोटेरिक, कैसा होगा एम्फोटेरिक। चलिए मैंगनीज में हम लोग सोचेंगे, मैंगनीज यहाँ पे है, बोलो मैंगनीज पे कैसा चार्ज है प्लस फोर, यानी केवल यहाँ पे रूल के मुताबिक प्लस फोर वाला मेरा कैसा होगा एम्फोटेरिक, बाकी सब पीछे का रूल देखेंगे। तो बोलो यहाँ एक ऑक्सीजन पे माइनस टू तो यहाँ पे कितना होगा प्लस टू, सोचना यहाँ एक ऑक्सीजन पे माइनस टू तो पाँच पे माइनस दस तो यहाँ प्लस दस, प्लस दस दो पे तो एक पे कितना प्लस फाइव। चलो आगे सोचते हैं, यहाँ बोलो एक ऑक्सीजन पे माइनस टू तो सात पे माइनस चौदह तो ये दो पे यहाँ पे प्लस चौदह तो एक पे कितना प्लस सेवन। यहाँ बोलो मैंगनीज पे दो ऑक्सीजन पे माइनस फोर तो यहाँ पे प्लस फोर। अब मेरे साथ सोचना, हमने मैंगनीज पे फिक्स करके रखा है प्लस फोर वाला कैसा होगा एम्फोटेरिक, कैसा होगा एम्फोटेरिक। चलिए हमने एम्फोटेरिक मेंशन कर दिया। अब बोलो ये सब रूल के मुताबिक होगा, मेरे साथ रूल सोचना, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी वन टू थ्री वाला बोलो क्या सिखाया था बेसिक, प्लस फोर वाला तो एम्फोटेरिक में चला गया, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइव सिक्स सेवन कैसा सिखाया था एसिडिक, कैसा सिखाया एसिडिक। सबको कह रहा हूँ इसको दो बार मेहनत करो, ये क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में क्रोमियम वाला दे रखा है, चूँकि आपको वहाँ पे K2Cr2O7 पढ़ना है और KMnO4 पढ़ना है, तो ये मैंगनीज और ये क्रोमियम का अलग अलग ऑक्साइड का नेचर बार बार पूछता है, DF में आपको पढ़ना है, तो एकदम इसको एकदम आप ढंग से आज के बाद रटना नहीं, ये जो मैं जिससे बताया उसको उस तरह से समझ लो। चलो बोलना एक ऑक्सीजन पे माइनस टू तो बोलो यहाँ पे प्लस टू, एक ऑक्सीजन पे माइनस टू तीन पे माइनस सिक्स तो यहाँ प्लस सिक्स दो पे तो बोलो एक पे कितना प्लस थ्री। यहाँ बोलना एक ऑक्सीजन पे दो माइनस तो पाँच पे दस माइनस तो यहाँ दस प्लस दो पे तो एक पे कितना पाँच प्लस। सोचो मेरे साथ क्रोमियम, क्रोमियम यहाँ था, क्रोमियम पे कितना चार्ज प्लस थ्री, प्लस थ्री वाला कैसा होता है एम्फोटेरिक, यहाँ हमने लिख दिया एम्फोटेरिक, ठीक है जी। बाकी सब बेसिक रूल पे चलो, बोलो यहाँ पे, यहाँ पे कौन था प्लस टू वाला, तो हमने क्या सीखा है मेटल का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बोलो बेसिक, कैसा होगा बेसिक, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला फाइव सिक्स सेवन कैसा सिखाया था एसिडिक, तो ये हो गया मेरा एसिडिक, ये था एम्फोटेरिक, ठीक है जी। चलो आर्सेनिक, आर्सेनिक में भी फिक्स करके रखा है प्लस थ्री वाला बोलो, तो यहाँ पे चेक करो ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे चेक करो एक ऑक्सीजन पे माइनस टू तो तीन पे माइनस सिक्स तो यहाँ प्लस सिक्स दो पे तो एक पे कितना प्लस थ्री। यहाँ बोलो एक ऑक्सीजन पे माइनस टू तो पाँच पे माइनस दस तो यहाँ प्लस दस दो पे तो एक पे कितना प्लस फाइव। सोचना मेरे साथ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ये है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, लेकिन आर्सेनिक पे यहाँ पे ने फिक्स कर रखा है कितना प्लस थ्री, तो प्लस थ्री वाला कैसा हो गया आपका एम्फोटेरिक, यहाँ वो वाला रूल अप्लाई नहीं करना, ठीक है। चलो अब ये चूंकि प्लस थ्री वाला ही केवल एम्फोटेरिक होगा तो ये वाला उस रूल के मुताबिक होगा, तो ये प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट है हाइयर वाला, तो हाइयर वाला कैसा हो जाएगा एसिडिक। चलिए नेक्स्ट आइए MgO, बोलो ये मैग्नीशियम है, क्या इसमें कहीं मैग्नीशियम है नहीं है, नहीं है मैग्नीशियम तो बोलो यहाँ माइनस टू तो यहाँ कितना होगा प्लस टू, मेटल का ऑक्साइड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में बोलो कैसा होगा बेसिक, यहाँ भी बोलो कैल्शियम प्लस टू होगा यहाँ नहीं है तो ये भी कैसा होगा बेसिक। अब यहाँ ले लिया एंटीमनी, बोलो यहाँ एंटीमनी हमने था मेरा SB सब, तो सब पे कैसा चार्ज था प्लस थ्री, यहाँ पे चेक करोगे आएगा प्लस थ्री, यहाँ पे चेक करोगे आएगा प्लस फाइव, तो बोल दो
प्लस थ्री वाला मैंने फिक्स कर दिया, कैसा हो गया एम्फोटेरिक, कैसा हो गया एम्फोटेरिक, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बोलो कैसा होगा एसिडिक, कैसा होगा एसिडिक। आई थिंक इतना अगर सही से सोच के अगर बना लोगे तो आपको आज के बाद ये नेचर ऑफ ऑक्साइड में क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। आई थिंक आपको एक भी क्वेश्चन आज के बाद इसमें गलती नहीं होना चाहिए। ट्रिक एक बार मेरे साथ फिर से बोलो, गाना वो जिंगल बेल सुना करो सब मन में आस्था लिए। देखो ये सब जो ट्रिक है ना, जहाँ पढ़ते हो स्टिकी नोट्स रखा करो, लिख करके साट दो, बार बार नज़र पड़ेगा एकदम याद हो जाएगा, टिप ऑफ टंग हो जाएगा, बहुत काम देगा। फिर से बोलो एक बार ट्रिक, गाना वो जिंगल बेल सुना करो सब मन में आस्था लिए। लास्ट वाला एलिमेंट छोड़ दो, यहाँ पे चार एलिमेंट लेना है, इधर से वेनाडियम लेना है, चार्ज कितना लेना है तीन पे प्लस थ्री, केवल Mn पे प्लस फोर और वेनाडियम पे प्लस फाइव। आई थिंक इतना क्लियर हो गया। ओके अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखोगे कि अभी तक हमने क्या सीखा कि मेटल का कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ेगा उसका ऑक्साइड कैसा होगा बेसिक होगा, कैसा होगा बेसिक होगा, कि जितना ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा बेसिक होना चाहिए। तो कहता है एज मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है ये ग्रुप 12 वाला, जिंक कैडमियम और मरकरी, इसको हम ऐसे ट्रिक से याद कराते हैं, जिंदगी कैद हो गई, जिंदगी जिंक कैद कैडमियम हो गई HG मरकरी, इसका जो ऑक्साइड है ऊपर से नीचे आओगे। अभी अब तक आपने क्या सीखा है, ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। अगर मेटालिक कैरेक्टर आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो आपने क्या सीखा है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा बढ़ेगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है जी, बेसिक स्ट्रेंथ आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर गलत है, यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ जब ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ता चला जाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, ये सही है यहाँ पे। यानी यहाँ पे याद रखिएगा ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसा होता है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, बाकी हम सोच रहे थे ऊपर से नीचे आ रहे थे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा नहीं, केवल यहाँ पे HgO ज़्यादा एसिडिक होता है किससे, कैडमियम से, कैडमियम ऑक्साइड से, और ये ज़्यादा एसिडिक हो जाता है जिंक के ऑक्साइड से, ठीक है, छोटा सा चीज़ है इसको आप लोग याद रखिएगा। इधर से इधर आते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता चला जाता है, ठीक है जी, ये छोटा सा चीज़ है जो मेटालिक का ऑक्साइड का एक एक्सेप्शन है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए तो हमारे साथ बने रहिए, अब तक के लिए इतना ही, चलिए थैंक यू।